अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जरी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे बीफ का तला हुआ गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे बनता है, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता है। चलिए बनाना बताते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। देखिए गोश्त हमारे पास बिल्कुल रूखा साफ बिल्कुल गोश्त है, ये इस तरह का गोश्त होना चाहिए। इसमें से हमने काटे हैं, इसमें से पतले पतले जैसे पसंदे के पारचे काटते हैं इस तरीके से काटे हैं। देखें कितना मोटा है, बस इतना ही मोटा है, हाफ इंच से भी कम। ये इस तरीके से काट लिया, मैं काट के दिखा देते हैं आपको। ये काटा हमने, इस पे से इस तरीके से उतारेंगे ऐसे करके बस इतना ही काटने हैं हमको ऐसे। चलिए हम बताएंगे आपको कैसे बनाने, सारे काट के दिखाते हैं। उसके हमने पीसेस कर लिए हैं, तो पतले पतले से देखें इतने नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर मसाला लगा देंगे, ये धो के रखा है गोश्त, इतनी तो है चर्बी चलेगी इसमें। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन, टू टेबल स्पून के करीब डाला है हमने अदरक लहसुन इसके अंदर। वन टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया, हाफ टी स्पून हल्दी गई है और टू टी स्पून इसमें यानी कि समझे वन टेबल स्पून छोटी मिर्चे हैं और वन टी स्पून इसमें पीसी मिर्च गई है। अब इसमें डाल देंगे, ये सिरका है हमारे पास, सिरका हम आधी प्याली डालेंगे इसमें अभी, बाकी की बाद में डालेंगे। इसके अंदर चीज़ें जो डालनी होंगी वो बताएंगे उस वक्त हम आपको। अब इन सारी चीज़ों को मिला देंगे, इसको जितनी देर भी रख दें। इसमें पपीता तो लगा हुआ नहीं है, पपीता लगाना भी नहीं है, ये तला हुआ गोश्त अलग ही बनेगा। अच्छे तरीके से मिला के इसको 1.5 से 2 घंटे आप आराम से छोड़ दें, ओवर नाइट भी छोड़ सकते हैं इसको। सारे गोश्त में हमने सब मसाला लगा दिया, देखें सब अच्छे तरीके से अंदर तक हो गया। इतना पानी रहना चाहिए बस इसमें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पानी हम जब इसको फ्राई करेंगे पकाएंगे पहले इसको, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। अभी नहीं डालना, अभी सिर्फ ये गोटियों के अंदर उतर जाए मसाला। इसे रख देते हैं हम 1 से 1.5 घंटे के लिए। देखिए अभी हमने कढ़ाई ले ली है, कुछ भी नहीं है इसमें, तेल वाले अभी कुछ ही नहीं है। हमारे पास ये गोश्त है, इसके अंदर हम आधा डाल देंगे इसके अंदर। उस वक्त हमने इसमें पानी नहीं डाला था, अब हम इसको 70% इसको गला लेंगे गोश्त को, तो थोड़ा सा पानी डालना होगा हमें इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें, एक से डेढ़ गिलास के करीब पानी डाला है। अब हम करते हैं इसका चूल्हा ऑन, कवर करके गलने तक पकाएंगे। पहले थोड़ा सा इसको स्टीम आने देंगे तेज आंच पे, जब स्टीम इसमें आ जाएगी तो उसको स्लो कर देंगे, मीडियम स्लो, तो इसमें गलने देंगे इसको। फिर आगे क्या करना है फिर बताएंगे आपको। देखें इसमें गुंजाइश थी इतनी कि हम ये सारा गोश्त डाल दें इसके अंदर, तो हमने तमाम का तमाम गोश्त डाल दिया इसमें। अब इसमें हमने एक गिलास डेढ़ गिलास के करीब पानी डाला था, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इसे
बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। और जिस तरीके से हम बना रहे हैं इसी तरीके से बनाइएगा इसको। इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए इसमें और ना इससे कम पानी होना चाहिए। अब इसे कवर कर देंगे हम वही कर लें तक। देखें ये जो हमने गोश्त चढ़ाया था पानी के अंदर, इससे तकरीबन एक घंटा लगा है। तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे हम और इधर रखते हैं एक तवा और उस पर डालते हैं हम घी। घी में तलें या ऑयल में तलें, किसी में भी तलें इसको। इसकी बोटी जो है बिल्कुल टूट रही है, ये देखें बहुत गर्म है, बिल्कुल टूट रही है इसकी बोटी। अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है गोश्त। अब हम इसको हटा देते हैं इसके ऊपर से और तवा रखते हैं। देखें ये हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हमने ये पका के रखा हुआ है ये गोश्त, इसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अदरक लहसुन का डालेंगे, सिरका 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। मिर्चें कम लग रही है तो उसमें थोड़ी सी भी हम मिर्च डालेंगे, इस तरह से ही मिक्स कर दें इसमें। अच्छा जो तेल है वो इतना ही रहेगा क्योंकि इसमें हमें गोश्त को थोड़ा सा कुक करना है इसके अंदर। देखिए आप कुछ गोश्त कुक करना है, वो सेवेंटी परसेंट हमने इसके अंदर पका लिया है इसको। अभी इसमें बाकी कसर है उसमें पूरी हो जाएगी। बहुत ही मज़े का बनता है ये गोश्त, अल्लाह से जरूर देखिएगा इसको। थोड़ा कम करते हैं चूल्हा कम। अदरक लहसुन की थोड़ी सी महक है वो भी ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। फिर इसमें हम डालते हैं काली मिर्च, आप इसको अगर चाहें कि हम इसको कढ़ाई में बना लें, लोही कढ़ाई में बना लें, तो ये चीज़ नहीं आएगी। जो ये सुनहरे सुनहरी हो रहे हैं ये गोल्डन से, ये उस पर नहीं आएंगी, लोहे के तवे पे ही आएंगे। ये
अच्छा सुनहरी गोश्त जो है ये लोहे के तवे पर ही होगा, नॉन स्टिक की ना बर्तन में होगा ना कढ़ाई में होगा, ये लोहे की इसी में होगा। ये अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च, हाफ टी स्पून के करीब डालेंगे इसमें काली मिर्चें, और थोड़ी सी जाएगी इसमें कुटी हुई मिर्च, बिल्कुल चुटकी के बराबर, इसे हम इसमें निकाल लेंगे। बाकी तेल बचेगा इसमें हम दूसरा जो हमारे पास रखा हुआ है गोश्त वो डाल देंगे। ये वो वाला है हमने निकाल लिया है गोश्त, अभी दूसरा डाल दिया है इसको, सारा कर लेंगे तो आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। थोड़ी सी देर लगेगी इसको, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गोल्डन होने में। थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर अदरक लहसुन, ये हमारे अपने घर की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हम लोग अब तो बकरीद होती है या वैसे भी हम लोग बनाते हैं जब गोश्त, खासकर तो ये बकरीद पर बनता है ज़्यादातर क्योंकि वापस मकदार में गोश्त होता है, आम दिनों में तो खा ही रहे होते हैं सारा गोश्त पका पका के सब्जियों के साथ हर किसी चीज़ के साथ कबाब कोफ्ते, मगर ये जो इसका जायका है कुर्बानी के गोश्त का जो ऐसे बनता है वो अलग ही चीज़ होती है, ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए हमारा मज़ेदार सा तला हुआ गोश्त पक के तैयार हो गया, आप इसको चपाती के साथ खाएं, राते के साथ, सलाद के साथ सर्व करें, इसको बनाएं, मुझे बताएं कैसा बनाइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। चले मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।